अस्सलाम वालेकुम शेख सादी अला रहमा, मेहनत और तवक्कल के मुतालिक बड़ी कमाल बात फरमाते हैं कि अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा रखना हमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से ग्रेज करना तकब्बर है। ये प्रैक्टिकल सीरीज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हमने डिफरेंट प्रैक्टिकल्स को जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको हमने डिस्कस करना है, उनको हमने पढ़ना है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है असेसमेंट ऑफ मैच्योरिटी इंडिकेटर्स इन वेजिटेबल्स। थोड़ी सी चीज़ें मैं पहले आपको डिस्क्राइब करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मैच्योरिटी इंडिकेटर्स में आती हैं, क्यों ये इम्पॉर्टेंट होती है, किस तरह की मैच्योरिटी होती है, और फिर मैं आपको वेजिटेबल्स में स्पेशली टोमेटो के हवाले से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी उसकी मैच्योरिटी इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अब हार्वेस्टिंग के काबिल हो गया, आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि मैच्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से रिलेटेड, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी हम किसी भी वेजिटेबल को लेते हैं, उसकी मैच्योरिटी को लेते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए कि ये कब मैच्योर है, उसकी जितनी भी मैच्योरिटी के इंडिकेटर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसका अल्टीमेट यूज़ क्या है। मिसाल के तौर पे आप टोमेटो की मैंने बात की, टोमेटो को अगर आप ग्रीन स्टेज पे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वो फ्राइंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, और अगर आप उसको एंड स्टेज पे, मैच्योरिटी स्टेज पे या ओवरराइप स्टेज पे आप उसको हार्वेस्ट करते हैं तो उसका पर्पज़ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, और इसका ये भी फ़ायदा है कि आप इसकी जो मार्केट अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर करते हैं। ठीक है, वो इस तरह इंश्योर होगी कि जब आप उसको राइट स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव लॉसेस कम से कम होंगे। नॉर्मली मैच्योरिटी को जब हम डिफाइन करते हैं या मैच्योरिटी को हम कंसिडर करते हैं तो हम दो बेसिस के ऊपर करते हैं, एक होती है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, एक होती है हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी क्या होती है कि जब कोई भी प्लांट या उसका प्लांट पार्ट जो है वो मैच्योर स्टेज पे आ गया है लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हैं वो अभी कंटिन्यू हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो हमारे पास फ्रूट है या कोई भी हमारे पास वेजिटेबल है वो मुकम्मल उसने वो शेप, वो साइज, वो पूरी जो है उसकी जो फीचर्स होते हैं उसको उसने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, लेकिन अभी भी उसमें कुछ जो है वो डेवलपमेंटल जो है वो स्टेजेस चल रही होती हैं, इसको हम कहते हैं कि उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी है। ठीक है, अब ये जो उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है ये एक्चुअली उसकी फाइनल स्टेज ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक है, कि जो भी उसमें फंक्शंस हो रहे हैं ये उसकी फाइनल स्टेज हो रही है और अभी ये कुछ हद तक ये कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एंड नहीं हो जाते। जबकि हम हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी में बात करते हैं कि प्लांट या उसका कोई भी पार्ट जो कि उसके अंदर वो तमाम खूबियाँ आ चुकी हैं जो कि उसके यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी में हम देखते हैं कि जो उसका अल्टीमेट यूज़र है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या हमारे फ्रूट के अंदर, क्या हमारी वेजिटेबल के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि उसके अल्टीमेट यूज़ के लिए चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हॉर्टिकल्चरल मैच्योरिटी है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी में हम उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को देखते हैं कि ये फाइनल स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंच चुका है। ठीक है, और फाइनल मैच्योरिटी का जो इसका फाइनल स्टेज है वो कंटिन्यू है, इन प्रोसेस है। ठीक है, तो वेजिटेबल को अगर हम राइट स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट करेंगे तो हम इसकी लॉन्ग टाइम
हार्वेस्टिंग को, लॉन्ग टाइम इसकी यूटिलाइजेशन को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको फुली राइपन स्टेज पे आप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वो आपके पास ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहेगी। अगर उसमें थायलिन प्रोडक्शन है, अगर उसमें रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी या उसमें स्पॉइलेज हो सकती है, ठीक है। अगर आप उसको एक्यूरेट स्टेज के ऊपर हार्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ज़्यादा देर निकाल जाएगी आपकी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ मैच्योरिटी इंडेक्स, उसमें हम डिफरेंट मेथड्स को पढ़ते हैं कि कौन कौन से मैच्योरिटी इंडेक्स को डिटर्मिन करने के मेथड्स हैं। सबसे जो पहला मेथड है वो है कंप्यूटेशनल मेथड। कंप्यूटेशनल मेथड में क्या करते हैं हम कि आप कैलेंडर डेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैलेंडर डेट का इस्तेमाल इस तरह कि आपने देखा कि कब मैंने इस सब्जी को या इस वेजिटेबल को आपने हार्वेस्ट, कब आपने उसको सो किया है, कौन सी इसकी मैच्योरिटी स्टेज थी और कौन सी स्टेज पे इसके ऊपर फल लगा है, तो आप डेज को काउंट करते हैं। इसको कहते हैं कैलेंडर डेट मेथड, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशनल मेथड में जो पहला मेथड है वो क्या है, कैलेंडर डेट मेथड, ठीक है। दूसरा जो आपके पास मेथड है वो है डेज आफ्टर पोलिनेशन, ठीक है। आप जब भी पोलिनेशन हुई है तो आप पोलिनेशन के बाद डेज को काउंट करना शुरू कर देते हैं कि इतने डेज के बाद जो है ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये सेकंड मेथड है कंप्यूटेशनल मेथड में, डेज आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन या एक्सिस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम डेज को काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है मैच्योरिटी इंडिकेटर्स को डिफाइन करने के लिए या उसको डिटरमिन करने के लिए, वो हमारे पास है फिजिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड्स में क्या हो सकता है कि जो भी हमारा फ्रूट है या वेजिटेबल है उसका हम देखते हैं कि क्या उसने वो डिजायर्ड जो साइज है वो अटेन कर लिया है या नहीं किया, ठीक है। अगर उसने डिजायर्ड जो आपका जो आपने वो फ्रूट या वेजिटेबल जिसको आपने हार्वेस्ट करना है, अगर उसने डिजायर्ड साइज अटेन कर लिया है, तो इसका मतलब कि वो मैच्योरिटी के नज़दीक है, आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कलर डेवलपमेंट। नॉर्मली कंज्यूमर की जो लाइकिंग होती है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है कलर ऑफ द फाइनल फूड प्रोडक्ट, ठीक है, या कलर ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल, ठीक है। आप बाजार जाते हैं, आप देखते हैं कि आपने एप्पल खरीदना है, अगर वो ग्रीन है तो आप उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते, ठीक है। अगर वो उसका कलर जो है वो प्रॉपर डिवेल्प हो चुका है तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो प्रेफरेंस के तौर पे और हार्वेस्टिंग के लिए हम कलर डेवलपमेंट जो है वो उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है फिजिकल मेथड्स में। पहला मेथड है इंक्रीज इन साइज, ठीक है। दूसरा मेथड है कलर डेवलपमेंट, और तीसरा मेथड है सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज। जब भी फ्रूट या वेजिटेबल जो है ये राइपनिंग के नज़दीक पहुंचते हैं तो इनमें सॉफ्टनेस आ जाती है, ठीक है। तो आप टिश्यूज़ को चेक करते हैं कि क्या उसमें सॉफ्टनिंग आ गई है। बाज़ दफ़ा हम इसके लिए टेक्सचर एनालाइजर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो हमारी जो वेजिटेबल है या हमारा जो फ्रूट है वो प्रॉपर डिवेल्प हो चुका है या नहीं। इसके बाद अगली चीज़ है सीडीनेस, ठीक है। जैसे ही कोई फ्रूट जो है वो मैच्योरिटी के नज़दीक जाता है तो उसमें सीड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। उसमें सीड जो है वो प्रॉपर उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जिस तरह आप एप्पल में देख लें कि जो आप मैच्योर फ्रूट आप खाते हैं तो उसमें प्रॉपर सीड जो है वो डेवलप हो चुका होता है, इसी तरह सिट्रस में, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट वेजिटेबल्स के अंदर उनमें भी प्रॉपरली वो सीड की डिवेलपमेंट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं सीडीनेस, ठीक है। इसके बाद है डिवेलपमेंट नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी फाइबर की डेवलपमेंट होती है किसी भी फ्रूट के अंदर तो क्या होता है कि एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जो फाइबर्स होते हैं वो इंटरमिंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर विद इन द फ्रूट और विद इन द वेजिटेबल जो है वो डिवेल्प हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन साइज,
कलर डेवलपमेंट, सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज, सीडीनेस, डेवलपमेंट ऑफ नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमने 5 मेथड्स पढ़े फिजिकल मेथड्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है 2 और मेथड हम इसमें ऐड कर लेते हैं। एक होता है फ्लावरिंग और बोल्टिंग, ठीक है। फ्लावरिंग है कि जब भी कोई फ्रूट जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है तो उसके ऊपर एक शूट के ऊपर फ्लावर की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जिन फ्रूट्स के अंदर इनके सीड्स नहीं होते या वेजिटेबल्स के अंदर सीड्स नहीं होते, उनमें होता है कि नई जनरेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए फाइनल स्टेज ऑफ मैच्योरिटी पे वेजिटेबल्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर सीड्स की डेवलपमेंट के लिए उनमें फ्लावर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, और बोल्टिंग स्टेज इनकी आ जाती है, ठीक है। तो इस स्टेज के ऊपर भी आपको इस चीज़ से भी पता लग जाता है कि अब आपका जो फ्रूट है वो हार्वेस्ट होने के फ्रूट या वेजिटेबल हार्वेस्ट होने के नज़दीक है, ठीक है। इसी तरह येलविंग एंड ड्राइंग ऑफ फोलिएज ऑन द टॉप, ठीक है। जो आपका फ्रूट है नॉर्मली वो येलो होना शुरू हो जाता है, या वो जो उसका फॉलिएज है या उसका जो टॉप पोर्शन है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। उसके ड्राई होने से भी आपको आइडिया हो जाता है कि आप जो आपका फ्रूट है या वेजिटेबल है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो चुकी है। इसके बाद है जी केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में आप सबसे पहले उसका शुगर कॉन्टेंट चेक करते हैं, ठीक है, जिसको हम ब्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये उसके टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं वो हम चेक करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर इसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम शुगर कंटेंट उसका चेक करते हैं। आपको पता है कि जैसे भी जैसे जैसे फ्रूट्स मैच्योरिटी की तरफ आते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो उसका एसिड है, एसिड कंटेंट है, वो कन्वर्ट होता जाता है शुगर्स में, ठीक है। अब शुगर्स में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि उनका जो एसिड है वो कम हो जाता है और शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि आपका जो जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो मैच्योरिटी के नज़दीक पहुंच चुका है, ठीक है। इसी तरह इंक्रीज इन फाइबर कंटेंट, पहले भी हमने देखा कि नेट लाइक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो जाती है, तो जैसे जैसे फ्रूट डेवलपमेंट की तरफ जाता है तो उसमें फाइबर्स की डेवलपमेंट ज़्यादा होती जाती है। तीसरी चीज़ है कि इंक्रीज इन शुगर एसिड रेशो, ठीक है, शुगर एसिड रेशो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, शुगर में कन्वर्जन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये मेथड है, 3 मेथड है जो कि केमिकल मेथड्स हैं मैच्योरिटी इंडिसेस को डिटरमिन करने के लिए। पहला है कि इंक्रीज इन शुगर कंटेंट, दूसरा है कि इंक्रीज इन फाइबर कंटेंट, तीसरा है इंक्रीज इन शुगर एसिड रेशो, ठीक है। और 4th मेथड इसमें है फिजियोलॉजिकल मेथड। फिजियोलॉजिकल मेथड में हम चेक करते हैं कि उसका रेस्पिरेशन रेट कितना है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं इथाइलीन एवोल्यूशन रेट, ठीक है। आपको पता है कि जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी स्टेज के नज़दीक जो है वो अगर इथाइलीन प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो गई या उसका रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब कि वो अब मैच्योरिटी स्टेज पे है, आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप चेक करते हैं कि उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी ज़्यादा है तो वहाँ पे भी आके आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल दो कि ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन ये है कि जो क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं उनको जल्दी हार्वेस्ट करना ज़रूरी होता है, वो इसलिए क्योंकि उनमें जो है इथाइलीन प्रोडक्शन होती है, उनमें रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, तो अगर उनको आप हार्वेस्ट बिल्कुल मैच्योर स्टेज पे करेंगे तो वो जल्दी जो है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसको मैच्योरिटी स्टेज से थोड़ा सा पहले हार्वेस्ट करेंगे तो आपके पास स्टोरेज में भी जो है वो प्रॉपरली वो पक जाएगा, ठीक है। जिस तरह हम बनाना को हार्वेस्ट करते हैं तो बनाना को हम अगर हम ग्रीन स्टेज पे भी हार्वेस्ट कर लें तो हम उसको बाद में जो है वो आप उसको पका सकते हैं या आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारा मेन इसमें पार्ट है उसमें है कि मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर टोमेटो, मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर टोमेटो। टोमेटो को हम डिफरेंट स्टेजेस पे हार्वेस्ट करते हैं, okay? जो पहली स्टेज है उसको हम कहते हैं इमैच्योर ग्रीन,
इमेच्योर स्टेज ये क्या होती है, इसमें बेसिकली जो आपके पास टोमेटो होता है इसमें हम सीड की डेवलपमेंट से पहले पहले जो है वो उसको हार्वेस्ट करते हैं। पहली चीज़ इसमें है कि अभी जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपरली डिवेल्प नहीं हुए होते, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि सीड के इर्द गिर्द एक जेली बनती है तो वो भी अभी प्रॉपरली डिवेल्प नहीं होती, ठीक है। तो इस इमेच्योर स्टेज के ऊपर आप हार्वेस्ट क्यों करते हैं, आप इसको फ्राइंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस स्टेज की दो बेसिक जो हैं वो निशानियां हैं कि एक इसमें जो सीड्स हैं वो प्रॉपरली डिवेल्प नहीं होते, और दूसरी चीज़ है कि सीड के इर्द गिर्द जो जेली बनती है वो भी प्रॉपरली डिवेल्प नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं कि इमेच्योर ग्रीन स्टेज। दूसरी आपके पास जो स्टेज है उसको हम कहते हैं मेच्योर ग्रीन स्टेज, ठीक है। अब मेच्योर ग्रीन स्टेज में क्या होता है कि इसमें फ्रूट जो है वो मुकम्मल कम्प्लीटली ग्रोन होता है, ठीक है, और उसमें स्टेम के इर्द गिर्द जो है वो ब्राउनिश रिंग हो जाता है, ठीक है, उसका जो रिंग होता है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें लाइट ग्रीन कलर की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जो लाइट ग्रीन कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता येलो ग्रीन की तरफ जो है वो चेंज होता जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो सीड की कैविटी होती है उसमें सीड्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो है वो जेली की डेवलपमेंट भी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मेच्योर ग्रीन स्टेज है, ठीक है। इस स्टेज पे हम हार्वेस्ट इसलिए करते हैं टोमेटो को कि हमने अगर लॉन्ग टर्म, अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पे इसको बेचना हो, अगर हमने इसको किसी दूर दराज इलाकों में बेचना हो तो हम इस स्टेज पे इसको हार्वेस्ट करते हैं। इस स्टेज पे हार्वेस्ट करेंगे तो आपको आपका जो टोमेटो है वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। पहली स्टेज हमने इमेच्योर ग्रीन पढ़ी, दूसरी हमने मेच्योर ग्रीन स्टेज पढ़ी। अब तीसरी हमारे पास जो स्टेज है वो है, उसको हम टर्निंग स्टेज कहते हैं, टर्निंग स्टेज या ब्रीकर स्टेज, ठीक है। स्टेज पे क्या होता है कि 1/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द टोमेटो टर्न्स इनटू पिंक कलर, ठीक है, पिंकिश कलर इसमें डेवलप हो जाता है फ्रूट का, ठीक है। तो इस कलर में हम इसको हार्वेस्ट इसलिए करते हैं कि इसको हमने लोकल मार्केट में बेचना होता है, इसको हम कहते हैं कि इसकी टर्निंग स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आती है पिंक स्टेज। अब जो टर्निंग स्टेज थी उसमें 1/4 कन्वर्ट हुआ था पिंक कलर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 3/4 ऑफ द फ्रूट जो है वो उसके ऊपर पिंक कलर आ जाता है। ये भी हम टोमेटो को हार्वेस्ट इसलिए करते हैं कि ताकि हम इसको लोकल मार्केट में बेच सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेज है उसको हम कहते हैं कि ये हार्ड राइप स्टेज है। हार्ड राइप में क्या होता है कि फ्रूट की जो स्किन है वो कम्प्लीटली वो रेड कलर शो करना शुरू कर देती है और फ्रूट जो है वो फर्म होता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, और सीड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस स्टेज पे हम टोमेटो को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है ओवर राइप स्टेज। ओवर राइप स्टेज में क्या होता है कि जो टोमेटो है आपके पास वो कम्प्लीटली रेड कलर में आ चुका होता है और वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप इसको सीड की एक्सट्रैक्शन के लिए हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसकी कुछ प्रोसेसिंग में, ठीक है, टोमेटो केचप बनाने के लिए भी कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इससे वो पहले जो स्टेजेस हैं उन पे हार्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेजेस थी टोमेटो को हार्वेस्ट करने के लिए, ये उसके कुछ इंडिकेटर्स थे, ठीक है, कि आप टोमेटो को किस तरह जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो आज के लेक्चर का जो समरी है या एब्स्ट्रैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी मेच्योरिटी की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कौन कौन सी बेसिस है जिनके ऊपर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, मेच्योरिटी को, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिन पे हम जिनको यूज़ करके हम फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने टोमेटो की डिफरेंट मेच्योरिटी इंडिकेटर्स को हमने देखा, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है। यहाँ तक आपने अपनी कॉपीज पे लिखना है, अगर कॉपीज पे आप नहीं लिख रहे तो आपने एटलीस्ट आप उसको याद ज़रूर करना है। शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।